नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। तो देखो, अब जो हो गया सो हो गया, चलो आओ मिलके पौधों को ठीक ठाक करते हैं। और पहले मैंने देखा कि पौधे थोड़े मुरझाए हुए हैं, बहुत तेज आंधी में पूरा ड्राई हो गए थे, डिहाइड्रेटेड लग रहे थे पूरे। तो उनको पहले अच्छे से मैंने पानी दिया है, कुछ पौधों की चेकिंग वेकिंग कर रही हूँ। अब देखो, दुख तो होता ही है कि पौधों की हालत जिस पर हम इतना काम कर रहे थे खराब हो गई, लेकिन दुख में बैठे रहने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। तो वही आगे बढ़ते हुए पहले मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। मुझे पहले ठीक करना चाहिए था, फिर पानी देना चाहिए था, पर पौधे इतने ज्यादा डिहाइड्रेटेड लग रहे थे मुझे कि मैंने सोचा जब तक मैं उनको शिफ्ट विफ्ट करूंगी तब तक वो बेचारे बहुत उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो वही सोचते हुए मैं पहले सबको पानी वानी दिया और फिर अब थोड़े अरेंज कर रही हूँ। ऑल दो मुझे वापस से ऊपर रखने में डर लग रहा है, पर मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है और इतने पास पास पौधे मुझे रखना पसंद तो है वैसे, पर कुछ पौधों को उनके क्या बोलते हैं, कैसी उन्हें लोकेशन पसंद है उसके हिसाब से रखना चाहती हूँ। तो वही करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और ये मेरा एक बांधा हुआ था प्लास्टिक का रोप, पर किसी ने उसको खोल दिया था। इससे जो है ना नेट सिक्योर रहता है, तो वो नहीं हुआ। तो अब हमने फिर कहा चलो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसको हटा दूं पहले? हटाने का रीजन ये है कि पहले इसको हटाऊंगी और फिर वापस से इसको ठीक से लगाऊंगी, क्योंकि ये जो नेट है ना ऊपर से तो सिक्योर्ड है, नीचे से उड़ खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें वापस से पौधे कहीं गिर के टूटने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे मतलब इतनी जगह नहीं है पौधे जा सके उधर, पर आंधी इतनी तेज थी, तूफान इतना तेज था कि कुछ दो तीन मेरे प्यारे पौधे उड़ गए। अब मेरे को ये भी नहीं है, मौका भी नहीं मिला कि मैं बाहर जाके कहीं ढूंढ सकूं। लोगों से पूछा तो उनको भी ज्यादा पता नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो अब जैसा है हो गया, आगे देखते हैं। तो ये देखो ज्यादा मतलब आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कुछ हो रहा है, पर हाँ भाई साहब हो रहा है, थोड़ी शिफ्टिंग विफ्टिंग हो रही है सब पौधों की। और सबको हिला डुला रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि पौधे को कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, वो सब देख रही हूँ। कुछ पौधे हैं जो गमले से निकल गए हैं उनको वापस लगाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ बेचारे मुरझा गए। जैसे ये ये स्पाइडर प्लांट बहुत 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 अच्छा हो गई थी ग्रोथ इसकी, पर ऐसा मुरझाया हुआ सा है ना कि उसको मैं क्या ही बोलूँ। बस उसको कैसे बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने, अब देखती हूँ शायद पानी देने से ठीक हो जाएगी इसकी हालत। खाद वाद अभी गर्मी में मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन दिए, पर मैं मुझे ऐसा लगता है जितना मेरे को समझ में आया है कि जो पौधे हैं वो अपने पहले रिकवर हो, थोड़ा सा स्टेबल हो, फिर मैं उसमें कुछ डालूं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बेकार में जड़े वड़े भी जल जाएंगी और कुछ पौधों की तो हालत खराब हो गई है। तो लेट्स सी कितों को हम क्या कर सकते हैं। अभी भी मुझे काफी दुख हो रहा था कि मेरे दो दो पौधे उड़ गए, छोटे छोटे कंटेनर में छोटे छोटे प्लांट्स लगे थे तो वो उड़ गए। तेज काफी आंधी थी, मतलब लोगों के तो बहुत सारी चीजें उड़ गई हैं, कुछ के पत्रे वत्रे भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, पर कोई बात नहीं, अब क्या करूं। दुख तो है मुझे, पर बाकी के पौधों को देख रही हूँ कि अब इनको पहले संभालना है, तो वही कर रही हूँ। धीरे धीरे पौधे भी नहीं खराब हो, और यही सोच के मैंने पहले तो ये वायर निकाला है, और अब सब आपको इतनी सारी चीजें मैंने दिखाई नहीं, ये फाइनली थोड़ा थोड़ा सुधरा है मेरा जो गार्डन है उसकी ये झलक है। कुछ पौधे अभी भी रिकवर कर रहे हैं और कुछ पौधों की हालत अभी भी काफी खराब है, तो देखते हैं आगे क्या होता है पौधों के साथ में। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ।
मेरे पौधों के लिए प्रे करिएगा, और अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।